वसई विरार क्षेत्र की बात करें तो आए दिन आपराधिक घटनाओं को लेकर चर्चा में बना ही रहता है। मानो जैसे इस क्षेत्र के अपराधियों को पुलिस का कोई डर ही नहीं है। ऐसे ही एक घटना नाला सुपारा पूर्व के नागिनदास पाड़ा से सामने आया है, जहां मोहम्मुली कासुनी को लेकर राह चलते युवक को बुरी तरह पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया गया। इस घटना को लेकर अब्दुल हाफिज नामक युवक ने संतोष मेड़ेकर पर लकड़ी की फली से जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि संतोष मेड़ेकर, जो कि रिक्शा चालक है, रिक्शा ले जाते समय अब्दुल हाफिज से मामूली बात को लेकर कहा सुनी हो गई थी। इस बात को लेकर संतोष मेड़ेकर ने अब्दुल हाफिज के सिर पर लकड़ी की फली से मारकर लहूलुहान कर दिया। घायल अवस्था में अब्दुल को क्षेत्र के नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी संतोष मेड़ेकर के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी संतोष मेड़ेकर शिवसेना पार्टी के पदाधिकारी गणेश मेड़ेकर का बेटा है। पेश है नाला सुपारा से मयंक रावत की रिपोर्ट। अब्दुल हाफिज, क्या हुआ था, किसने आपको मारा, क्या नाम है, क्या बताएंगे, क्यों मारा गया? मैं जा रहा था बच्चे को ट्यूशन छोड़ने के लिए, तो पीछे से रिक्शे ने मेरे को धक्का मारा। तो उसको मैं बोला, मैंने दिखता नहीं क्या? बोलता नहीं, दिखता नहीं, मेरे बात बाप का रोड है क्या, साइड से चल। उसके बाद में फिर उसने गाली दिया मेरे को। गाली देने के बाद में फिर मैं भी उसको गाली दिया, फिर मैं जाने लगा। जाने के पीछे से उसने आके वो प्लाई बोर्ड का है वो पीछे से मारा उसने। क्या नाम है, किसने मारा है? ये शिवसेना नेता का लड़का है और मेडिकर करके नाम है उसका, नागिनदास में रहते हैं वो।